अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए डीडी जी फिर से, तो हम आपको अभी सिप भी खुला है, वहाँ से दिखाते हैं। ये देख लें सिप भी आ रहा है, इतना बड़ा सिप भी आ रहा है, इतना बड़ा कि आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा सिप भी है, इसके साथ साथ रक्षल है, बहुत बड़ा सिप है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा सिप है, वो देख सकते हैं इतना बड़ा सिप है, बहुत बड़ा है कदम है माशाल्लाह, कद आप देखें, ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं रश है जे डी जी का, ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं इधर, वो देख ले सिप्पी जा रहे हैं, देख सकते हैं सिप्पी जा रहे हैं, चल रहे हैं हम उनके साथ साथ, आप देख सकते हैं साबिर, या साबिर आप देख सकते हैं, चेक करें कितना बड़ा सिप्पी बैल है, कितना रश हो रहा है, देख सकते हैं बहुत जान है इसके अंदर, वो देख सकते हैं कितना बड़ा सिप्पी बैल है माशाल्लाह, खोला है। अब आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियन बुल दिखा दूं मैं, ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, और अभी आप दूसरा सिप्पी आप देख सकते हैं, तीसरा, ये एक दो तीन सिप्पी आए हैं, एक सिप्पी चला रहे हैं बाहर, एक सिप्पी दूसरा सिप्पी है, तीसरा सिप्पी बहुत बड़े सिप्पी हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं कितना बड़ा सिप्पी है माशाल्लाह, और आप रश देखिए कितनी मेहनत से बना रहे हैं, रश आप देख सकते हैं आपके सामने, ये चांद बैल है, नया चीज़ है, ये जोड़ी है चांद बैल की, आप देख सकते हैं नया चीज़, ये देख सकते हैं सिप्पी बैल है, चांद बैल दोनों है, चांद बैल है, और ये छोटा गहना बैल है माशाल्लाह, देख सकते हैं छोटा गहना बैल है, ये जे डी सी ने सुराबकोट मंडी से लिया था, ये चांद बैल के जो पीछे बैल है ये आपको दिखा नहीं पा रहा मैं, और ये पांच टांग वाला बैल है, इसके पीछे एक टांग लगी हुई, देख सकते हैं माशाल्लाह पांच टांग वाला, और ये आप बफेलो भी देख सकते हैं, इसका सफ़ेद मुंह है वगैरह, इसका ये इसका सफ़ेद मुंह है, और सफ़ेद चार टांगे हैं, एक दो में सफ़ेद, ये बड़ी नायाब है, और वो सफ़ेद बैल आप देख रहे हैं, जंगल से भी अंदर लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं वो मिट्टी फेंक रहे हैं उस वाली बैल को, वो देख आप कह रहे थे ना सफ़ेद बफेलो, देखें इसका मुंह सींग सब सफ़ेद है, और अभी ये बैल मैं आपको बताने जा रहा था, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैल रावी किंग, उससे मैं आ रहे देखे उसने काट दिया, चारा वारा सब गिरा दिया उसने, रावी किंग इसका नाम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैल, आप देख सकते हैं सफ़ेद बैल, ये मैं रावी किंग आपको दिखाना चाह रहा था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैल, ये देख सकते हैं ये ऊँट है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं दूसरा ऊँट है, ये तीसरा ऊँट है, चौथा ऊँट है, और ये पाँचवा ऊँट है, ये छठा ऊँट है, सातवा ऊँट है, ये आठवा, आठ दस ऊँट इधर ही बांध दिए, ये आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन से, ये अबू हैं हमें जे डी सी में लेके आए हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे भी वीडियो में दिखाओ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये ऊँट है, ये आप देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं मंडी है, लेकिन ये इधर बेचते नहीं है, ये जे डी सी बराए मुस्तकीम है कुर्बानी के लिए आता है, और ये ऊँट रहा हर, ये जहाँ गोश इनका ना बराए मुस्तकीम ना गरीब लोगों में जाता है, ये लोग खुद ही देते हैं, ये देख सकते हैं ये पहले
मैंने उधर के जानवर दिखाए थे, आप इधर के दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये दूसरा ऊँट, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बहुत सारे ऊँट हैं। क्या आप देख सकते हैं इसके बाल कैसे लग रहे हैं, अच्छे खूबसूरती आप देख सकते हैं। नहीं कुछ भी हो मेरे कैमरा टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सारे ऊँट हैं, ये देख सकते हैं, ये ऊँट हैं, ये देख सकते हैं, सारे ऊँट हैं तादाद से बैठे हुए, ये सारे ऊँट हैं तादाद से बैठे हुए हैं सारे ऊँट, ये पूरी लाइन से बैठे हुए आगे पे, आप देख सकते हैं भैया, आप देख सकते हैं ये ऊँट, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये ऊँट है, ये इसकी कुर्बानी नहीं होगी, ऊँट नहीं है इसका बच्चा है। क्योंकि मैं आपको दो कोहन वाले चार ऊँट दिखा रहा हूँ, ये एक है और एक चौथा भी आगे होगा, ये है वो चौथा जो ऑस्ट्रेलियन बुल दे रही हूँ। पिंजरे में बहुत सारे जानवर हैं, देख सकते हैं इनकी भी कुर्बानी की जाएगी, ये देख सकते हैं अच्छा आगे चलो और जगह जाना है। इस जगह पे याक आएंगे, देखें एसी वाला कमरा, इधर सरवाइव कर सकेंगे, ये एसी वाला कमरा, इधर याक आएंगे, इन्होंने स्पेशल तौर पे बनाया शीशा है, ये देखें ये शीशा है, स्पेशल तौर पे ना याक पाएंगे इधर, देख सकते हैं एसी इधर लगाया गया है, और ये जेडीसी है, इधर याक आएंगे, याक तो आज ही आएंगे, याक शायद हम उससे पहले चले जाएं क्योंकि 11 12 बजे हैं। ये देखने इधर कितने सारे जानवर आ गए पिंजरे में, देखो ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बुल, ये देख लें सिब्बी, देख सकते हैं आप, ये देखें याक हो गए, ये देख लें इधर बांध देंगे याक, इसीलिए एसी लगाया हुआ है, ये जेडीसी। ये अंकल से पूछा है बुध को आएंगे याक, ये अबू हैं मेरे, देख रहे हैं इधर याक बुध को आएगा, वैसे ही देख रहे हैं इसका कैसे बनाया गया, ये रूम है, इधर एसी लगा हुआ है, तो ये याक ज्वाइन करके अपनी वीडियो बना रहे हैं, हम लोग जेडीसी आ चुके हैं, स्वयं करते हैं अपनी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबा दिया ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, अल्लाह हाफिज़।